सारा मेरा मुन्ना मुन्नी है ना, सोच रहा है ना, सिंपल पास्ट टेंस सीख लिए है ना, तो बीते हुए समय में ना जब दो काम एक संग अगर हो रहा है तो सोच रहा है कि हम बना लेंगे। सर जैसे एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, देख रहे हो, बीते हुए समय में दो काम एक संग हो रहा है। आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग सीख के आप क्या समझ रहे हो कि हम उसी फॉर्मूला के बेसिस पे क्या इसका आंसर बना देंगे, मतलब दोनों सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस मार दीजिएगा। आप बनाइए बनाइए बनाइए, एग्जामिनेशन हॉल में जब यू गेट जीरो, जब आप जीरो पाइए ना तो पता चल जाएगा। तो सर इसका इजी प्रोसेस लास्ट आप लोग कमेंट आउट बॉक्स में और हमको देख रहे हैं कि ऑफलाइन मेरा क्लास में आप लोग जो मुझे तंग किए थे ना, आपको बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप लोग जो सोचे थे ना तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका सबसे इजी फॉर्मूला आपके पास में है, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में हेड लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर उसके संग सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। तो गौर कीजिएगा, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद बिफोर लगाकर ये देख रहे हो, सब्जेक्ट एम वी टू ऑब्जेक्ट, ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। मीन्स जो काम पहले हो रहा है, जो काम बीते हुए समय में पहले अगर होगा वर्क वन, उसके संग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो काम उसके बाद होगा, यहाँ लिख देते हैं बाबू वर्क टू, जो काम उसके बाद होगा उसके संग में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बताइए कौन सा काम पहले, पहले मरीज मरा कि पहले डॉक्टर आया, आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, पहले ट्रेन खुला कि पहले आप स्टेशन पहुंचे, मीन्स डॉक्टर के आने पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट इंग्लिश मार रहे हैं, डॉक्टर से आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले मरीज मर चुका था, तो जो काम पहले हो रहा, पहले तो मरीज मरा है ना, तो इसलिए वर्क वन, पहले सब्जेक्ट लाएंगे द पेशेंट, देखिएगा द पेशेंट, ये मेरा देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके संग क्या लगाना है, हेड, बाबू थोड़ा ध्यान, आपको खास तौर पर बोले थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर उसका थर्ड फॉर्म द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले हो रहा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो गौर कीजिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा दिए, ए मेरा बन गया है सब्जेक्ट, हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर लगा दिए, ये देखिए द डॉक्टर सब्जेक्ट, आ ये मेरा सेकेंड फॉर्म केम, केम, ये हमारा हो जा रहा है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मीन्स बीते हुए समय में दो काम एक संग हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल वाक्य में प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे वह खाना खा चुका था, गौर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर जोश के संग आऊँगा, आपको बता देना चाहते हैं, जो भी डाउट आप लोग का मन में अगर हो तो आप उसे जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस तरीके से वीडियो बनाइए, आप लोग का हर डाउट को हम क्लियर करने के लिए आए हैं, ज़्यादातर हर स्टूडेंट को बताना चाहिए, कोरोना काल में सब कोई बैठे हुए हैं, बैठिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने लिए 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप समय निकालिए, आप जीवन में कुछ कीजिए, क्योंकि बहुत सारा कम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे हैं, बहुत सारा ऑफलाइन ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बहुत कुछ आप सीखना चाहते हैं जीवन में, तो क्यों ना हम बैठे बैठे कुछ कर सकें, भांसू टाइप का फॉर्मूला आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो, ओके।